हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए इस वीडियो में मैं झारखंड जीके का जो 1000 है टॉप 1000 उसका पार्ट 6 लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में देखिए ये जितने जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है इसमें सारे के सारे क्वेश्चन झारखंड एसआई में आए हुए हैं, उसी को मैंने इस वीडियो में लाया है। और झारखंड एसआई और जेएसएससी ने जितना एग्जाम लिया है और जिसमें सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं झारखंड जीके से, मैं वो झारखंड जीके का सारा क्वेश्चन लाऊंगा। तो ये हमारा झारखंड एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, झारखंड एसआई में ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पंचायत सेक्रेटरी में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, सन 2000 में निर्माण के बाद से, देखिए झारखंड का निर्माण कब हुआ 2000 में, उसके बाद बोल रहा है कि कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है, मतलब कि झारखंड बनने के बाद कितने लोग मुख्यमंत्री बने। तो 6 लोगों ने अब तक शपथ ग्रहण की है मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है, 6 लोग, ठीक है। अगला है, झारखंड गठन के बाद राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है झारखंड में। और क्वेश्चन ऐसे भी आता है, पहली बार कब झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो वो लगा था जनवरी 2009 में, ठीक है। देखिए अगला है, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा की, कितने लोग अभी तक राज्यपाल बने हैं। तो राज्यपाल 9 लोग अभी तक बन चुके हैं, ठीक है। अगला है, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे, मतलब उसकी जो संरचना है वो किसने बनाया था, ठीक है, झारखंड के राजभवन का। तो वो थे सदालो क्लेयर्ड, सदालो क्लेयर्ड। अगला है, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्न जिलों में से है, ठीक है, मतलब कौन है। तो वो है गिरिडीह, ठीक है। गिरिडीह में झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित एक रेशम का पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। अगला है, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो घाटशिला प्रसिद्ध है कॉपर के लिए। अगला है, निम्न में से किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बॉक्साइट जो है वो ज्यादा मात्रा में लोहरदगा में पाया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, लोहरदगा में प्रचुर मात्रा में। अगला है, इनमें से कौन सा झारखंड में फसल मौसम नहीं है। देखिए तो गर्म फसल भी है, रबी फसल भी है, खरीफ भी है, लेकिन जायद जो है ये फसल झारखंड में नहीं है, ठीक है। जायद फसल के लिए झारखंड जो है वो अनुकूल नहीं है। अगला है, क्रोमाइट एवं मैग्नीज अयस्क झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं। तो क्रोमाइट और मैग्नीज जो है वो पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूम में, क्रोमाइट और मैग्नीज पश्चिमी सिंहभूम में। अगला है, झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार कितना है। देखिए आपको बताना है कि लाख टन में, तो 80356, ये आपको नंबर याद रखना है, 80356, मतलब कि 80356 लाख टन, ठीक है, कुल कोयला का भंडार है झारखंड में, 80356, बस आपको इतना याद रखना है, 80356। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। तो भारत का मात्र कौन सा ऐसा राज्य है जो गैर कोकिंग कोल का उत्पादन करता है, वो है हमारा झारखंड, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्रफल क्या है। देखिए बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है कोल्हान कमिश्नर के अंतर्गत, ठीक है। अगला है, झारखंड की उपराजधानी क्या है। झारखंड की उपराजधानी है दुमका, ये तो सबको पता होगा। 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए। तो झारखंड के पुलिस महानिदेशक अभी भी हैं डीके पांडे।
झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य बना है? तो वो बना है दूसरा, सेकेंड। झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? झारखंड धाम किस जिले में है? तो वो है गिरिडीह। झारखंड धाम गिरिडीह, इसको याद रखिएगा। झारखंड में HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया है? किस देश की हेल्प से कौन सा कारखाना लगाया गया है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये लगाया गया है चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से, ठीक है। HEC चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से लगाया गया है। अगला है, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले जो है हाई कोर्ट के, झारखंड हाई कोर्ट के पहले जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं विनोद कुमार गुप्ता। अगला है, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना लगाया गया? तो वो लगाया गया है पूर्व चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया है? रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना। अगला है, चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? चांडिल जल विद्युत योजना यह है स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है। और इसकी उत्पादक क्षमता कितनी है? इसकी उत्पादक क्षमता है 110 मेगावाट है। अगला है, झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? नेतरहाट को, ये याद रखिएगा। नेतरहाट को हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर की रानी। दलमा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य का स्थापना या उद्घाटन हुआ था 1975 में। और ये कहाँ है दलमा वन्य जीव अभयारण्य? ये है पूर्वी सिंहभूम में, ये भी याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है, तो ये है पूर्वी सिंहभूम में। अगला है, हुंडरू रांची से कितनी दूर है सड़क के रास्ते से, ठीक है। तो ये है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर है ये हुंडरू कहाँ से, रांची से, और सड़क के रास्ते से है 45 किलोमीटर, ठीक है। किस वर्ष बोकारो को जिला का दर्जा दिया गया? तो बोकारो 1991 में जिला बना था, 1991 में। तो डिस्ट्रिक्ट कब कौन बना ये भी याद रखिएगा। किस वर्ष चतरा एक अलग जिला बना? तो ये दोनों जो है एक ही बार बना था 1991 में, चतरा और बोकारो एक ही वर्ष जिला बना। झारखंड राज्य बनने के बाद 6 मुख्यमंत्री में से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे? तो वो थे 3। और पहले मुख्यमंत्री किस पार्टी के थे आपको बताना है कमेंट में। झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो अभी जो सचिव हैं वो है श्रीमती राजबाला वर्मा, ठीक है, श्रीमती राजबाला वर्मा। झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो झारखंड के राजभवन का निर्माण मार्च 1931 में हुआ था, ठीक है, मार्च 1931 में। द्रौपदी मुर्मू ने किस अस्पताल में अपनी आंखों को दान देने की घोषणा की है? तो इन्होंने घोषणा की है कि मैं अपना नेत्रदान करूंगी। और किस हॉस्पिटल में बोली है? कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल, कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? अभी इसके बारे में मैंने बोला था, जनवरी 2009 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और ये देखिए बहुत बार रिपीट हुआ इसी JSSC के एग्जाम में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है? अवरक के लिए, ठीक है, कोडरमा अवरक के लिए। दामोदर घाटी निगम किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दामोदर घाटी निगम जो है वो 1948 में स्थापित किया गया था। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो झारखंड में कितने जिला जो है वो उद्योग केंद्र है, वो है 12। आप ऐसे एक डोजन भी याद रख सकते हैं कि झारखंड में टोटल एक डोजन है उद्योग केंद्र जिला, ठीक है। इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? तो गर्म फसल आपको बताना है क्या? सब्जी, सब्जी तो है, मूंगफली भी है, मक्का ये भी है, लेकिन सरसों जो है वो एक गर्म फसल नहीं है। तो इसका आंसर है सरसों। जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था?
देखिए, जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील टाटा स्टील लगाया गया था 1907 में, 1907 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आदित्यपुर कोल्हान कमिश्नर के अंतर्गत। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24x7 की घोषणा की थी? तो ये किया था संचार मंत्री वेंकैया नायडू जी ने, और अभी ये क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। उस समय संचार मंत्री थे वेंकैया नायडू। अगला है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, बुंदू में। ठीक है, बुंदू में सूर्य मंदिर है। किन चट्टानों को धात्विक खनिज भंडार कहा जाता है? मतलब धात्विक खनिज भंडार कौन सा चट्टान है? ठीक है, तो वो है हमारा धारवाड़ योगी। ठीक है, अगला है, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1964 में, बोकारो स्टील प्लांट। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट 1964 में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस इतना ही आज। इसके बाद अगला वीडियो जल्दी आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।